किस तरह से यहाँ पर बिल्कुल मेन रोड पर मस्जिदुल फिरदौस, जिसका ऑर्डर हाईकोर्ट ने किया था परसों 24 तारीख को, ये कहा गया था उस ऑर्डर में साफ साफ तौर पर यह कहा गया था कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड की गाइडेंस के साथ, वक्फ बोर्ड की निगरानी में ये पूरा डेमोलिशन किया जाएगा और जो इंक्रोचमेंट है, इलीगल इंक्रोचमेंट है जो बाद में बढ़ाया गया है, उसको डेमोलिश किया जाएगा। आप देख सकते हैं दो बिलडोज़र लगा करके पूरी तरह से ये इस मज़ार को, बराबर में आप ये मस्जिद देख सकते हैं, मस्जिद पहले 2017 में मस्जिद को डेमोलिश किया गया था, शहीद किया गया था, और उसके बाद अब ये जो टीन शेड है इसको भी हटाने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सामने ये होटल ओबराय है। इस होटल ओबराय की भी अगर बात की जाए, जिस तरह से 12.5 एकड़ ज़मीन की जो बात कही जाती है, जिसको लेकर के डीडीए और वक्फ बोर्ड में झगड़ा चल रहा है, डीडीए और वक्फ बोर्ड में इसको लेकर के केस चल रहा है, तो 12.5 जो एकड़ ज़मीन है उसमें ये ओबराय होटल भी आता है। और ये पूरा रोड जिस पर अभी हम खड़े हुए हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, ये भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ है, वक्फ प्रॉपर्टी में आता है। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि लगातार कोई भी कानून और रूल को ताक पर रखकर डीडीए के अधिकारी जैसा चाह रहे हैं मनमानी कर रहे हैं। यहाँ पर वक्फ बोर्ड की कोई नहीं चल रही है। ख़ास तौर से ऑर्डर किया गया था, हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड की निगरानी में डीडीए का अमला वहाँ पर पहुँचेगा और जो एंक्रोचमेंट हालिया दिनों में किया गया है उसको, जिसको वक्फ बोर्ड राज़ी होगा गिराने के लिए, उसको गिराया जाएगा, शहीद किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद तमाम जो मस्जिद का वजूखाना बना हुआ था उसको डेमोलिश कर दिया गया। मस्जिद के लिए जो टॉयलेट बना हुआ था, नमाजी जब आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, वजू करने से पहले अगर किसी को इस्तंजा करना होता है या टॉयलेट यूज़ करना होता है वो करता है, उसको भी हटा दिया गया। पानी की टंकी को हटा दिया गया जिसके ज़रिए वजू किया जाता था, यानी वजू खाने को ही ख़त्म कर दो तो मस्जिद अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो मस्जिद की पुरानी दीवार है बाहर की साइड में, इस दीवार को छोड़ करके पूरी मस्जिद को गिराने की, पूरे मस्जिद को शहीद करने की बात कही जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि ये बाद में एंक्रोचमेंट किया गया है। अब आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, सामने जो ये मेन गेट है इसका, मज़ार का, मज़ार भी कई सौ साल पुराना ये मज़ार बताया जा रहा है। और इस मज़ार में को भी जो है इसकी पूरी दीवारें आगे की साइड की पूरी गिरा दी गई हैं, लेकिन जो मेन गेट है उसको छोड़ दिया गया है। जो यहाँ पर मुतवल्ली हैं इस मज़ार के, उन्होंने अपने रहने का भी इंतज़ाम यहाँ पर किया हुआ था, उसको भी पूरी तरह से डेमोलिश कर दिया गया है। लेकिन सवाल इस पूरे मामले को लेकर वक्फ बोर्ड के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर वक्फ बोर्ड इस चीज़ पर राज़ी क्यों है कि अगर डेमोलिश करने की बात थी, इलीगल एंक्रोचमेंट हटाने की बात थी, तो वक्फ बोर्ड को यह कहना चाहिए था कि हम खुद यहाँ से जो है एंक्रोचमेंट हटाएंगे। और उसके बाद डीडीए का क्या दायित्व बनता है एंक्रोचमेंट हटाने का वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में, ये एक बड़ा सवाल है। वक्फ ट्रिब्यूनल है, वक्फ बोर्ड है, वक्फ अथॉरिटी है, बाकायदा ट्रिब्यूनल में अगर कोई बात होती है तो ट्रिब्यूनल में केस जाता है। अजीब तरह का फैसला है हाईकोर्ट का जो अभी आया है, जिसमें डीडीए को ये कहा गया है कि डीडीए के मालिकाना हक का जो है इसमें कोई मतलब नहीं है, इसका फैसला जो है जहाँ पर चल रहा है, जिस कोर्ट में चल रहा है, वही कोर्ट करेगा। लेकिन डीडीए को ये राइट दे दिया गया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में कि वो जा करके डेमोलिश कर सकता है, जिसको लेकर के जो कानून के जानकार हैं वो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वक्फ बोर्ड चेयरमैन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आखिर इस तरह का जब फैसला आ रहा था तो उनके वकीलों ने क्यों वहाँ पर जा करके प्रोटेस्ट नहीं किया, क्यों अपोज नहीं किया, क्यों इस चीज़ पर राज़ी हो गए कि डीडीए आकर के उनकी मिल्कियत में, जो वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है 12.5, जिसको लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है मालिकाना हक को लेकर, डीडीए कहता है कि ये हमारा है। उसके बाद ये पूरा कब्रिस्तान जो 12.5 बीघे का है, 12.5 एकड़ का है, इस कब्रिस्तान में पिछले 10 सालों से मैयत की तदफीन भी बंद कर दी गई है, किसी को दफनाने भी नहीं दिया जा रहा है मैयत को। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस बड़ी प्रॉपर्टी पर निगाह गड़ाए हुए है केंद्र सरकार, और इसको कब्जे में लेकर के यहाँ पर कोई डेवलपमेंट का प्लान करना चाहती है। G20 के नाम पर रीडेवलपमेंट का, ब्यूटिफिकेशन के नाम पर, जिस तरह से दिल्ली में मसाजिद और मकबरों पर लगातार बिल्डोजर चल रहा है, लगातार शहीद किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं सवाल मुसलमानों के उन नेताओं पर, मुसलमानों की उन तंजीमों पर, मुसलमानों की उन जमातों पर, और उसके साथ साथ ही आम मुसलमानों पर भी खड़ा होता है कि आखिर निज़ामुद्दीन बस्ती यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी है, यहाँ कोई आता क्यों नहीं है, कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं करता है, कि आखिर मुसलमानों की इमलाकों पर, मुसलमानों की जायदाद पर, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ पर इस तरह से डीडीए को किसने राइट दिया है, कोर्ट को किसने राइट दिया है कि वो आकर के यहाँ पर डेमोलिशन की कार्रवाई करे। ये कई ऐसे सवाल हैं जो इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं और उनको भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करते हैं। और कानून के जानकार बार बार वक्फ बोर्ड को लेकर कहते हैं कि वक्फ बोर्ड का रवैया सही से कानूनी लड़ाई नहीं लड़ जा रही है, जो फैसला दिया गया है हाईकोर्ट के ज़रिए वो अजीबोगरीब है। अब आप देख सकते हैं कि ये एक बिल्डोज़र तो चला गया, दूसरे बिल्डोज़र से जो मस्जिद का हिस्सा है उसको अब डेमोलिश किया जा रहा है, उसको अब शहीद किया जा रहा है भारी संख्या में। इनके साथ लेबर भी आई है, सारे जो तोड़ने के आलात हैं वो लेकर के आए हैं, कुदाल और
फावड़े वगैरह और पूरी तरह से आज इस को साफ करने की, जैसा कि हम परसों भी आए थे और आपको बताया गया था कि कोर्ट के ऑर्डर का इंतज़ार किया जा रहा है, कल कोर्ट का ऑर्डर आया, ऑर्डर की कॉपी भी हमारे पास थी, हमारे पास है। उस ऑर्डर में साफ तौर पर कहा गया है कि DDA जो है वो वक्फ बोर्ड की मौजूदगी में ये इंक्रोचमेंट पर कार्रवाई करेगा। जाहिर सी बात है इंक्रोचमेंट पर कार्रवाई करेगा, लेकिन वक्फ बोर्ड की कोई सुनी नहीं जा रही है। ये महसूस कर रहा है वक्फ बोर्ड का अमला कि वो लाचार हैं, उनकी कोई नहीं सुनी जा रही है, उनकी कोई बात DDA के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, उनके वकील, उनके स्टाफ, वक्फ बोर्ड का पूरी तरह से उनसे मिन्नत कर रहा है और बार बार कह रहा है। तो DDA के अधिकारी को यह कहना है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कीजिएगा, अगर हम कोर्ट के हुक्म किए अवहेलना कर रहे हैं तो आप कोर्ट में जाइए। मालूम है उनको, कोर्ट में उनके माई बाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं होने वाला। आपने देखा है किस तरह से रमज़ानों के महीने में दिल्ली की अहम मसाजिद को, अहम दरगाहों को किस तरह से तोड़ दिया गया और कोर्ट कुछ नहीं कर पाया। तो जाहिर सी बात है ये पूरी एक प्लानिंग है वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर हमला करने की, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करने की। जिस तरह से संघ और RSS की आंखों में हमेशा खड़कती है ये वक्फ प्रॉपर्टीज़, हज़ारों लाखों करोड़ रुपये की जो प्रॉपर्टीज़ पूरे इंडिया में हैं उसको लेकर के सवाल खड़ा किया जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है, जो आप सवाल करते हैं कि कोई घर से तो लेकर नहीं आए थे, जाहिर सी बात है वक्फ जो किया जाता है वो कोई अपनी मिल्कियत को ही, जिसका वो मालिक हो उसी को अल्लाह के नाम पर वक्फ कर सकता है। जाहिर सी बात है किसी मुसलमान ने इसको ख़रीदा, उसकी मिल्कियत थी और उसने वक्फ किया है और उसके बाकायदा ट्रिब्यूनल, उसके पेपर हैं, बाकायदा उसके गजट हैं, लेकिन किसी चीज़ को कोर्ट में नहीं सुनवाई हो रही। 20